सब्सक्राइब कीजिए अपना सागर चैनल को और बेल टोन को प्रेस कीजिए मेडिकल रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इरफान मेमन और आप देख रहे हैं अपना सागर चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लोरोस्पिन डस्टिंग पाउडर के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा वॉच करें। तो दोस्तों, इसमें क्या कंपोजिशन है, किस में यूज होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये क्लोरोस्पिन डस्टिंग पाउडर है। तो दोस्तों, ये फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज होता है। प्रिकली हीट, यानी कि आपको गर्मी में होने वाली परेशानी, गर्मी में होने वाली खुजली फुर्सियों से राहत देता है ये। तो ये प्रिकली हीट और इचिंग, यानी कि आपको जो खुजली की समस्या रहती है, जो पसीने से होने वाली खुजली, और स्किन इरीटेशन, यानी कि आपको जो स्किन में जलन होती है, उसके लिए ये यूज होता है। तो ये दोस्तों अजंटा फार्मा का बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं, अजंटा फार्मा लिमिटेड। दोस्तों, इसकी प्राइस है 120 रुपये, लेकिन ये जेनरिक प्रोडक्ट है, तो आपको मार्केट में इससे कम दाम में मिल जाएगा जेनरिक स्टोर पर से। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, इसे आपको बाहरी हिस्से में लगाना है। दोस्तों, और देख सकते हैं आप, ये शेड्यूल एच है, तो ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। इसके अंदर जो ड्रग्स का यूज हुआ है, कॉट्रिमाजोल कंटेंट, तो आपको ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ख़रीदना है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, कॉट्रिमाजोल डस्टिंग पाउडर 1% वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट। तो देख सकते हैं, इसका जो मेन कंटेंट है कॉट्रिमाजोल, जो ये एंटी फंगल ड्रग्स है, जो इसे फंगस को रोकता है ये और इनहिबिट करता है। तो दोस्तों, ये खुजली जो होती है, परेशानी होती है, यानी कि जो आपको गर्मी से पर्सपायरेशन होता है, जो पसीने से, यानी कि जांघ के रांगों के आजू बाजू में जो होता है, या बगल के साइडों में होता है, या फिर किसी भी जगह पर जो पसीने का जो तकलीफ रहती है गर्दन में या पीठ में, तो उसके वजह से आपको जो खुजली वगैरह होती है, तो उसमें ये राहत देता है। तो ये जो है फंगस को होने नहीं देता है, ये रोकता है, इनहिबिट करता है। तो इसका जो मेन कंटेंट है क्वाट्रीमाजोल जो है, देख सकते हैं आप, एंटी फंगल 1% वेट बाय वेट। तो ये ऐसे डायरेक्ट बाय द फिजिशियंस, तो ये जो नॉर्मली इसे ऐसे छटकाव करना होता है, जहाँ पर आपको जो खुजली या पर्सपायरेशन की तकलीफ है, वहाँ पर अगर आपको इसे ज़्यादा की तकलीफ है कुछ, तो आप उसे डॉक्टर के डॉक्टर को बता के यूज करें। और अगर आप इसको थोड़ा पहले स्प्रेड करके देखें, आपको कोई इरिटेशन या वो रेडनेस या इरिटेशन या कुछ होता है, तो आप उसे तुरंत बंद कीजिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार यूज कीजिए। और छोटों बच्चों में बिल्कुल यूज ना करें, ये डॉक्टर की सलाह के अनुसार यूज करें। देखिए, कीप कंटेनर टाइट क्लोज, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, यानी कि आपको ये कंटेनर यूज करने के बाद इसे टाइट कर देना है और इसे लाइट और मॉइस्चर से बचा के रखना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।